हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का DIY में मैं एक किचन रिलेटेड एक वॉल हैंगिंग बनाने वाली हूँ। ये MDF बोर्ड मैंने एक लिया है, उसके ऊपर एक कुछ रफ स्केच कर रही हूँ, एक शेप का फिगर जैसा। तो आप चाहे तो कार्डबोर्ड ले सकते हो, ये इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगी कि MDF बोर्ड ही यूज़ करें, क्योंकि वो आपको लॉन्ग लास्टिंग होता है जो अभी आप उसके ऊपर ड्रॉ या आप जो भी क्ले का काम करोगे। तो मैंने यहाँ पे एक वॉल पुट्टी का डो बनाया है, उसी को एज ए क्ले यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी क्ले अवेलेबल है आप उससे बना सकते हैं, बस आप स्टेप्स फॉलो करते जाइए। तो वॉल पुट्टी का जो डो है, आपको उसको स्मूदिंग करने के लिए थोड़ा सा फिंगर टिप में वाटर लेके उसको प्लेन कर सकते हो। आप जो एजेस आपका जो अनइवन रहता है उसको प्लेन करने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा डिप डिप करके वाटर इस्तेमाल किया है। और ये जो टूल मैंने यूज़ किया है, ये क्ले का ही टूल बोल सकते हो, एक क्ले मेकिंग टूल है। तो आप चाहो तो आपके पास कोई भी स्पून या नाइफ होगा, उसके मदद से भी आप इस टाइप का जो शेप है वो दे सकते हो। क्ले का काम थोड़ा सा पेशेंसली करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपका जो भी आप बना रहे हो उसमें आपका बहुत ही सुंदर शेप निकल के आता है। तो मैं भी यहाँ पे पेशेंसली उसको बना रही हूँ धीरे धीरे आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं बनाते जाऊँगी आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और आप भी चाहो तो इस तरह का जो किचन डेकोर है आप बना सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। प्रीवियसली मैंने किचन डेकोर के लिए एक शेफ डॉल बनाया था, उसका भी वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप चाहे तो उसमें भी जाके देख सकते हैं कैसे मैंने वो वाला डॉल बनाया था। मैं यहाँ पे फेविकॉल ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ ये सबको स्टिक करने के लिए। आप चाहे तो कोई भी स्ट्रॉन्ग वाला ग्लू यूज कर सकते हैं। ये क्ले टूल की मदद से मैं ये थोड़ा सा शेप जो है इसको सही ढंग से इवन करने की कोशिश कर रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा फिंगर टिप से मैं पानी से भी स्मूथ करती जा रही हूँ क्ले का जो अनइवन सरफेस है। और ये देखिए, मैं अभी ग्लू ऐड करके ये शेप का जो हैट है उसको अभी स्टिक कर रही हूँ। दो छोटे छोटे ऐसे बॉल लेके मैंने शेप का आइस बनाया है इस टाइप से। अभी बना रही हूँ शेप का जो नोज है वो। Thank you.
भी इस स्टेप्स से डिटेलिंग ऐड करते हुए जा रही हूँ, आप भी यही सब स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। शेफ का स्पैचुला बनाने के लिए मैंने एक टूथपिक लिया है, आप कोई भी काइंड का स्टिक ले सकते हैं, उसको इस टाइप से कुछ क्ले की मदद से एक स्पैचुला का जो स्ट्रक्चर हो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। शेफ का जो रिस्ट पोर्शन है मैं यहाँ पे हटा दिया हूँ, क्योंकि वो मैंने गलती से डाल दिया था, फिर मुझे याद आया कि यहाँ पे शेफ का जो बटन से ड्रेस का वो भी बनाना बाकी है, और जो स्पैचुला है उसको भी होल्ड करके रखेंगे, तो उस टाइप से हैंड को कुछ बनाना है। तो ये तो जब बनता है क्ले बहुत ही नरम रहता है, तो आप इजीली इसको गलती होने से भी आप हटा सकते हो और बाद में उसमें डिटेलिंग्स ऐड कर सकते हो। अभी मैं स्टिक करूंगी स्पैचुला को, उसके बाद शेफ का जो हैंड का बाकी पोर्शन है उसको उसके ऊपर स्टिक कर दूंगी, ताकि फुल स्ट्रक्चर ऐसे लगे कि दोनों हाथ से स्पैचुला को पकड़े हुए हैं। After 24 आवर ये कुछ इस टाइप से दिखता है जब ड्राई हो जाता है। बारिश का मौसम है इसलिए क्ले ड्राई होने में बहुत टाइम लगा मेरा। मैं अभी आगे जो भी कलर यूज़ कर रही हूँ सबका मैं डिटेलिंग डालती जाऊँगी वीडियो में, और इसका फुल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे बहुत ही सुंदर वाला एक कोट डाल रही हूँ, फूड वाइब्स ओनली, क्योंकि ये किचन रिलेटेड है, इसलिए मैंने उसके ऊपर ही थोड़ा सा सिमिलरिटी रखते हुए ये कोट चूज किया हूँ। आप चाहे तो कोई भी कोट क्यूट सा रख सकते हो इसमें। तो ये किचन डेकोर रेडी हो गया अभी मेरा किचन के लिए। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड तब तक के लिए बाय।